नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस सेशन में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी डिमांड है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि करेक्टिव एक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अपने दोस्तों और कलीग्स को भी हमारे इस क्वालिटी और एक्सीलेंस की जर्नी में शामिल कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, जिसे कि शॉर्ट में कापा भी कहते हैं, ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए काफी जरूरी होता है, जिसमें कि हम सिस्टमैटिक तरीके से कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं या अनडिजायरेबल सिचुएशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम एलिमिनेट करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहले करेक्टिव एक्शन क्या होता है। तो करेक्टिव एक्शन का जो डेफिनेशन है वो है एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज और कॉजेस टू प्रिवेंट द रिकरेंस, इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। तो यहां पर आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक्शन जो ले रहे हैं वो रूट कॉज पे ले रहे हैं और टू प्रिवेंट द रिकरेंस, यानी कि जब तक आपका एक्शन रूट कॉज पे नहीं होगा वो करेक्टिव एक्शन नहीं होगा। काफी बार मैंने देखा है जब हम बात करते हैं करेक्टिव एक्शन के बारे में, कोई कंप्लेन आई, कोई कस्टमर कंप्लेन आया, इंटरनल रिजेक्शन कुछ हो गए, तो एक्शंस में क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन टाइट कर दिया जाता है, ऑपरेटर को ट्रेनिंग दे दिए बिना रूट कॉज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो आपका करेक्टिव एक्शन नहीं हुआ। कुछ केसेस में ये डिस्पोजिशन एक्शन होते हैं, कुछ केसेस में ये कंटेनमेंट एक्शन भी होते हैं। अब ये सारे एक्शन क्या हैं इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, फिलहाल हम करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन को ठीक से समझते हैं। तो दोस्तों जब तक कि आप रूट कॉज को या कॉजेस को आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन नहीं लेंगे वो करेक्टिव एक्शन नहीं कहलाएगा। एक और चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि टू प्रिवेंट द रिकरेंस, यानी कि प्रॉब्लम पहले आ चुकी है, आप प्रॉब्लम के आने के बाद में उसको दोबारा होने से रोकने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं वो हो गया आपका करेक्टिव एक्शन। तो दो चीजें यहां पर याद रखने वाली बात है, पहला जो है रूट कॉज और दूसरा जो है रिकरेंस। तो दोस्तों आप समझते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉजेस ऑफ फेलियर टू प्रिवेंट द अकरेंस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। यानी कि प्रिवेंटिव एक्शन में हम पोटेंशियल कॉजेस ऑफ फेलियर, यानी कि उन संभावित कारणों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो फेलियर को लीड कर सकते हैं, यानी कि फेलियर हुई नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, प्रिवेंट द अकरेंस, यानी कि अकरेंस होने से पहले आप जो एक्शन लेते हैं संभावित कारणों पे, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है ना। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। तो दोस्तों कापा जो होता है, यानी कि करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन, इट फोकसेस ऑन द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रूट कॉजेस, यानी कि हम इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए और आइडेंटिफाइड रिस्क या पोटेंशियल जो रिस्क होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट देयर रिकरेंस, यानी कि अगर रिकरेंस दोबारा होने से रोकने के लिए अगर हम एक्शन ले रहे हैं तो वो करेक्टिव एक्शन कहलाएगा, और अगर अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक्शन ले रहे हैं तो वो प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। दोस्तों करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन जो हमको लेना है इसके लिए आपको 6M समझना जरूरी है। ये जो 6M होते हैं यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और मदर नेचर या इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। तो आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे रूट कॉजेस पे या पोटेंशियल कॉजेस पे, तो आपको जो कॉजेस निकल के आएंगी वो मोस्टली आपके इन 6M में से किसी एक M में या मल्टीपल M में कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो दोस्तों आप समझते हैं कि करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन को कहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है। तो करेक्टिव एक्शन आर इंप्लीमेंटेड, कहां इंप्लीमेंट करते हैं इसको हम, इन रेस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कंप्लेन आ गई आप करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अनअसेप्टेबल लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मेंस, आपके प्रोडक्शन लाइन में या प्रोसेस के लाइन में कहीं पर भी कुछ नॉन कन्फॉर्मेंस निकल के आ रही है, रिजेक्शन हो रही है, आप उसको भी एनालाइज करके करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। इशूज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट जो होती है प्लांट में कंपनियों में, उसमें भी जो इशू निकलती है
उसमें भी आप करेक्टिव एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। एडवर्स और अनस्टेबल ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉनिटरिंग सच एज वुड बी आइडेंटिफाइड बाय स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, यानी कि एसपीसी करने के दौरान में कुछ ऐसे सिचुएशन निकल के आते हैं जो कि एडवर्स है, या जो स्पेशल कॉजेस आइडेंटिफाई होते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करके करेक्टिव एक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहां पर कि आप करेक्टिव एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रिवेंटिव एक्शन कहां लिया जाता है। तो प्रिवेंटिव एक्शंस आर इंप्लीमेंटेड इन रेस्पॉन्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। जब हम प्रोएक्टिव अप्रोच लेके पहले से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लेने की कोशिश करते हैं तो हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के टाइम में आप एफएमईए करते हैं, यानी कि फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। तो पीएफएमईए या डीएफएमईए जो करते हैं हम, उसमें हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच होता है। वहां पर हम पहले से ही पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज को आइडेंटिफाई करके हम उसको एक्शन लेते हैं उस पर, ताकि आने वाले दिनों में प्रॉब्लम ना आए। वैसे दोस्तों कंप्लेंट्स आने के बाद में भी आप प्रिवेंटिव एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि काफी सारे जो कस्टमर्स रहते हैं, जब कंप्लेंट्स आती है तो कस्टमर कापा मांगता है, यानी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन दोनों मांगता है। मैंने काफी सारे लोगों को सुना है, वो बोलते हैं कि अगर प्रॉब्लम आ गया तो आप प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लोगे, प्रॉब्लम तो आ चुका है। ये गलत है, यानी कि प्रॉब्लम आने के बाद भी आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। होता क्या है कि जब प्रॉब्लम आई तो आपने उसका रूट कॉज इन्वेस्टिगेट किया। रूट कॉज इन्वेस्टिगेट करने के बाद में आप जो एक्शन लेंगे वो आपका हो जाएगा करेक्टिव एक्शन। लेकिन जो रूट कॉज निकला है, क्या उसके अलावा और भी पोटेंशियल कॉजेस हैं बाकी जिसके वजह से प्रॉब्लम आ सकती है? अगर हैं, जो कि होती ही है, अगर आप उस पर एक्शन इनिशिएट करेंगे तो आपका प्रिवेंटिव एक्शन होगा। मैं आपको छोटा सा क्रूड एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि आपका पेट दर्द कर रहा है, आपने रूट कॉज एनालिसिस किया तो पता चला कि पेट दर्द क्यों कर रहा है। आपका रूट कॉज निकल के आया, मैंने गंदा पानी पिया था जिसके वजह से मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब आपने एक्शन ले लिया कि मैं फिल्टर्ड पानी आगे से पीऊंगा, तो ये क्या हो गया, करेक्टिव एक्शन हो गया। लेकिन क्या फिल्टर्ड पानी अगर आप पिएंगे तो क्या फ्यूचर में कभी भी पेट दर्द नहीं करेगा आपका? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि और भी पोटेंशियल कॉजेज हैं जिसके वजह से आपका पेट दर्द कर सकता है। तो अगर मैं उन सारे पोटेंशियल कॉजेस को भी आइडेंटिफाई करके उस पर अगर एक्शन लूं तो वो मेरा प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। तो जनरली हम जो फिशबोन डायग्राम करते हैं, तो फिशबोन डायग्राम में हम सारे पोटेंशियल कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से ये मेरा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर उन सारे कारणों पर मैं ले लूं जो रूट कॉज के अलावा हैं, तो वो मेरा प्रिवेंटिव एक्शन कहलाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको भी क्लैरिटी मिल रही होगी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन में। दोस्तों आइए हम करेक्टिव एक्शन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एरर प्रूफिंग, जिसे कि मिस्टेक प्रूफिंग या पोकायो के भी कहते हैं इंडस्ट्री में, तो एरर प्रूफिंग भी एक करेक्टिव एक्शन हो सकता है। विजिबल और ऑडिबल अलार्म्स, आप अलार्म लगाइए, वो भी एक करेक्टिव एक्शन हो सकता है। प्रोसेस रीडिजाइन, प्रोडक्ट रीडिजाइन, ट्रेनिंग और इन्हांसमेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया या एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन किया प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में, तो वो भी आपका करेक्टिव एक्शन कहलाएगा। इंप्रूवमेंट टू मेंटेनेंस शेड्यूल, आपने मेंटेनेंस के शेड्यूल में कुछ चेंज किया, वो भी आपका करेक्टिव एक्शन कहलाएगा। इंप्रूवमेंट टू मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज, मटेरियल के हैंडलिंग में, स्टोरेज में आपने कुछ चेंजेस किया, वो भी आपका करेक्टिव एक्शन का पार्ट हो सकता है। आगे क्या बता रहा है, इन सम केसेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सच एक्शंस मे बी नेसेसरी टू फुल्ली करेक्ट द प्रॉब्लम। काफी बार हमको एक एक्शन नहीं मल्टीपल एक्शन लेने पड़ते हैं ताकि मैं प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करूं। तो दोस्तों आइए अब इसे एक बार जरा समराइज कर लेते हैं। तो करेक्टिव एक्शन मेरा क्या हो गया, ये हो गया एक्शन रूट कॉज पे हम काम करते हैं और प्रिवेंट रिकरेंस, दोबारा होने से रोकने के लिए। और प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, पोटेंशियल कॉजेस ऑफ फेलियर पे आइडेंटिफाई करते हैं हम, जो कि हो सकता है संभावित कारण, और टू प्रिवेंट अकरेंस, यानी कि होने से पहले ही आप जो एक्शन लेते हैं। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि देयर कैन बी मोर देन वन कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी और पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी, यानी कि जब आप करेक्टिव एक्शन या प्रिवेंटिव एक्शन लें तो आपके कॉजेस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो आपको सभी पे एक्शन लेना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको अब करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसका लिंक आप अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ भी शेयर करें,
उनसे भी रिक्वेस्ट करें हमारे इस फोरम में जुड़ने के लिए। हमारे बाकी वीडियो को चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैंने बाकी वीडियोस का लिंक डाल दिया है। आप वीडियो गैलरी में जाके हमारे सारे वीडियो को चेक कर सकते हैं और उनको भी देख के काफी कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।